नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अगर आप अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं और आपके सामने अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही होंगी तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल बिहार में सरकार ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। इस योजना से विवाह के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आएगा और लोग अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में वर्तमान समय में लोग अपनी जाति में विवाह करना ही पसंद करते हैं। दूसरी जाति में विवाह करना आज भी लोग विरोध का पात्र और जो कहीं ना कहीं कई लोगों को विरोध का सामना भी करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोगों के सोच में बदलाव और बिहार में इस तरह के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरजातीय प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। सरकार का अनुमान है कि आने वाले दिनों में इसे नई दिशा मिलेगी। सरकार की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़े को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना है। यदि लाभार्थी इस योजना का गलत फायदा उठाते हैं तो प्रोत्साहन राशि को 2 साल के लिए भी शुरू किया गया और उससे ये जो लाभार्थी से प्रोत्साहन राशि वापस भी ली जाएगी। इस योजना को पहले 2 साल के लिए शुरू किया गया था, परंतु अब यह योजना हर साल आती है। इसके लिए लाभार्थी को एक प्री स्टॉपेड रिसिप्ट 10 रुपया के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर जमा करना होगा, जिसके बाद उस लाभार्थी को 1.5 लाख रुपए सीधे अकाउंट में आएंगे RTGS या नेफ्ट के माध्यम से। बता दें कि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के मुख्य उद्देश्य राज्य में अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करना है, बढ़ावा देना है, और जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यानी बिहार सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। साथ ही बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ तभी मिलेगा जब पति या पत्नी में से एक पिछड़ी जाति का हो और दूसरे गैर पिछड़ी जाति का। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बड़ा कदम है और इस कदम की वजह से CM नीतीश एक बार फिर से चर्चा में आने वाले हैं। इसलिए कि इस तरह की योजनाएं बिहार में जब भी आती हैं तो बिहार सरकार के कार्य प्रणाली पर सवालिया घेरा उत्पन्न हो जाता है और एक बार फिर से वैसी ही परिस्थिति और खास तौर पे इस पर भी राजनीति होना लाजमी है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और जो तमाम नीतीश कुमार के विपक्षी दल हैं कहीं ना कहीं इन सभी योजनाओं को लेकर सरकार पर हमलावर रहती है, सरकार से सवाल किया जाता है और फिर से वही परिस्थिति एक बार बनेगी। चाहे बात की जाए तो एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी को लेकर या अंतरजातीय विवाह को लेकर लगातार जिन राज्यों ने कदम उठाया है उनको विरोध का सामना करना पड़ा है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।